चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है, कह रहे हैं अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री मेथड। यहां से पता चल गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। जैसे बेटा आपको बैलेंस शीट में बताया होता है ना, एसेट्स दिए होते हैं, लाइबिलिटीज दी होती हैं, इस तरह देखें उसने आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। कैश एट बैंक कितनी अमाउंट है, 3000। स्टॉक है 20,000 का। डेटर्स हैं, इसी तरह मशीनरी है और क्रेडिटर्स हैं। और फिर कह रहे हैं हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलोस। अगेन आपको कैश, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी एंड क्रेडिटर्स दे दिए। अच्छा ये क्या आपको दिया हुआ है, आपको एक ओपनिंग डेटा दिया हुआ है, एक क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है। अब मुझे बताएं आप लोग 2015 का ओपनिंग होगा या 2016 का ओपनिंग होगा? 2015 का ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा एक बात आप याद रखना कि जो डाटा, जो ईयर क्लोज होता है, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2015 को हमारा ईयर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बन जाएगा, यानी 1 जनवरी 2016 का ये ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने बताया 2015 और 16, तो आपने ईयर से याद रखना है। अगर 15 है तो, अगर 15 है तो क्या होगा, ओपनिंग होगा, और उसके बाद 16 है तो क्लोजिंग होगा। ये आपने दोनों ईयर्स को देखना होगा, ठीक है। फिर आपको कहना है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस। ये क्या चीज है बेटा, सर वो कैपिटल लाया और इन्वेस्टमेंट की है। कैपिटल आया है, इन्वेस्टमेंट की है, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड विथड्रॉ 300 पर मंथ, ये क्या चीज है? ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स निकाली है, ड्राइंग्स निकाली है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, सही है, क्योंकि ये पर मंथ है। हमने बनाना क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2016, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2016 का आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अच्छा चलें जी, मैं जो डाटा हमें अवेलेबल है, मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इस फॉर्मेट में डाटा पुट करता हूँ। आप देखो लास्ट जो हमने दो क्वेश्चन किए थे उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन था, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों नहीं गिवन, तो दोनों हमने फाइंड करने हैं। हाँ हमें ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग को कह रहा है 300 पर मंथ है, तो 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो देखें टोटल ड्राइंग्स कितनी आ रही है, कैलकुलेट करें बेटा। मैंने लिखा हुआ है, इसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं या हम इसको फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं। कितना उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, 10,000 का, ठीक है। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें समझ आ गई। अच्छा अब हमने फाइंड करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। अब देखें हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि हमें उसने ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे दिए, यानी क्वेश्चन में अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल ना हो तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटा से हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2015 का जो डाटा दिया हुआ है आपको नजर आ रहा है, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी और क्रेडिटर्स, ये आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लें फिर मैं डाटा पुट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करें।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट. ये क्या चीज है? बैलेंस शीट ही है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं, एक तरफ पे एसेट लिखते हैं और दूसरी तरफ पे लाइबिलिटीज लिखते हैं. हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड पे लिखते हैं ना आप लोग, एंड अपोजिट साइड पे क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. यहां तक अगर हम देखें तो ये बैलेंस शीट की डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डेफिनेशन नहीं है. लेकिन जब इसमें हम एक वर्ड ऐड करेंगे, क्या अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट. ये एक बैलेंस शीट है जिसमें हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड पर एसेट्स लिखते हैं और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हम लिखते हैं राइट साइड पर. ठीक है, जिस तरह हम बैलेंस शीट में लिखते थे. आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया तो फाइनल अकाउंट में आपने बैलेंस शीट बनाई और आपको पता है कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आती है. तो यहाँ पर भी हम बैलेंस शीट की मदद से हम कैपिटल की अमाउंट फाइंड करेंगे. ठीक है, और जब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात होगी तो इसी बैलेंस शीट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस शीट नहीं कहेंगे बल्कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे. ठीक है, अब आते हैं ओपनिंग के ऊपर. फॉर एग्जांपल हमें ये ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन था, ये जो अमाउंट है लेस ओपनिंग कैपिटल हम करते हैं, तो इसके लिए मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ. ठीक है, ये यहाँ पर आप वर्किंग नोट लिखेंगे. ओपनिंग कैपिटल ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है. ठीक है, अब ओपनिंग डेटा के ऊपर आ जाए. ओपनिंग डेटा आपको दिया होगा 2015 का, ये जो मैंने हाईलाइट किया है. तो 31 दिसंबर 2015 से वन बाय वन आप मुझे लिखवाएं चीजें. कोई स्टूडेंट मनोर बेटा आप जरा मुझे बताओ ओपनिंग डेटा कौन कौन सा है, जरा सब पार्टिसिपेट करें, बताएं ओपनिंग डेटा. मैं अभी अभी आई हूँ. अच्छा, आप अभी अभी आए हो, कोई और बता दीजिए. एमन आप बता दो, डेटा लिखवाओ मुझे. सर कैश एट बैंक है 3000. कैश एट बैंक, सबको नजर आ गया कैश एट बैंक जी सर. ये अमाउंट है 3000. ठीक है, कैश एट बैंक क्लोजिंग में भी है लेकिन अब हम ओपनिंग बना रहे हैं तो पहले हमने ओपनिंग लिखना है. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखें क्या है. स्टॉक 20000. स्टॉक की अमाउंट है हमारे पास 20,000. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या है, डेटर्स. डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 30,000. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है. मशीनरी 50,000. मशीनरी 50,000. ठीक है, और उसके बाद क्या है. क्रेडिटर्स 23,000. तो क्रेडिटर्स को मैं किस साइड पे लिखूं, लायबिलिटी साइड पे. जी बेटा, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती हैं. ठीक है, क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे आपने, जिनको आपने पैसे देने होते हैं, लेने होते हैं. और डेटर्स वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं. क्रेडिटर्स की अमाउंट 23,000 है. ठीक है, अच्छा ये अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आपको बस डाटा इतना ही दिया हुआ है. अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया कि कैश एट बैंक मैंने एसेट साइड पे क्यों लिखा है, स्टॉक एसेट साइड पे क्यों लिखा है, डेटर्स मशीनरी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. ये आपके एसेट्स हैं. ठीक है, करंट और फिक्स एसेट्स दोनों आप इस साइड पे लिखते हैं, ये एसेट वाली साइड है. और लाइबिलिटी साइड पर सिर्फ एक ही आइटम है, वो है क्रेडिटर्स. क्लियर होगी बात. अब हम क्या करेंगे, हम एसेट साइड का टोटल करेंगे और एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड को माइनस करेंगे. तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल. क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल. ऐसा ही है,
तो जब आपको सारे एसेट्स पता हैं और लाइबिलिटीज पता हैं, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल ही बचेगा। अब आप एसेट साइड का टोटल करें, कैलकुलेटर उठाएं और टोटल करें, एसेट साइड का टोटल क्या आ रहा है? क्या है? 1,03,000। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 1,03,000। ठीक है जी सर। अच्छा, आपको पता है जो एसेट साइड का टोटल होता है वही लाइबिलिटीज और कैपिटल का होना चाहिए, बैलेंस शीट इक्वल होती है, इसलिए मैंने ये टोटल दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होनी चाहिए, एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होने चाहिए। अब एसेट्स तो मेरे पास है 1,03,000 के, जबकि लाइबिलिटीज कितनी अमाउंट की है? 23,000 की। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 80,000। तो ये 80,000 क्या आ गया? डिफरेंस। और इसको हम क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। बात समझ आ गई? मैं एक मिनट के लिए रुकता हूँ, आप सब देख लें इसको, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लें कि मैंने किया क्या है। क्वेश्चन अपने सामने रखें आप लोग और जरा चेक करें कि मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाई है। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या चीज है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। सॉर्ट कहते हैं किस्म, बैलेंस शीट की एक किस्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। ये देखिए, मैंने एसेट्स लेफ्ट साइड पर लिखे। ठीक है, और लाइबिलिटीज हम अपोजिट साइड पर लिखते हैं और उसी साइड पर हम कैपिटल भी लिखते हैं। तो ये ओपनिंग डेटा से बना रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और इसको मैंने कहा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और इसको ओपनिंग कैपिटल। और कैलकुलेशन कैसे की? तमाम एसेट्स को डेबिट साइड पर लिखा। ठीक है, और उसमें से लाइबिलिटीज माइनस की, जो आंसर आया 80,000, इसको हम ओपनिंग कैपिटल कहेंगे। अब इस 80,000 को मैं अपनी मेन शीट पे, ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, यहाँ मैं पुट कर दूंगा 80,000। बात समझ आ गई आप लोगों को? ये हमें गिवन नहीं था, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन था। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होंगी, हमें डाटा दिया होगा। ये क्लियर होगी बात? अब आप लोगों ने क्या करना है, टाइम है 15 मिनट है, ठीक है, आप लोग 5 मिनट लगाएं और ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करें। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग डाटा से होगा, इसका फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ये आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें आपने बनाना है 31 दिसंबर 2016 का, तो अपने रजिस्टर आपके सामने है, फोरम से जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आ रहा है, फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ। एसेट्स लिखें, लाइबिलिटीज लिखें, 5 मिनट लें और क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट फाइंड करें। सर, आपने ओपनिंग कैपिटल से पहले क्या करवाया था? बेटा, पहले मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया था। अब आपको एक और डाटा दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 का। ठीक है, पहले हमने 15 के डाटा से वर्किंग की है, अब हम 16 के डाटा से वर्किंग करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने और कुछ नहीं कराया? पहले मैंने आज के दिन की बात कर रहे हो आप? जी जी, नहीं अभी यही करवाया मैंने। अच्छा, आप लोग जरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं। शाबाश, ठीक
सर हो गया सॉल्व। सर हो गया सॉल्व। जी बेटा किसने सॉल्व कर लिया? सर मैंने आप मैंने जी नाम बताएं अपना। एमन। एमन बेटा बताओ क्या आपका आंसर आया है? सर मेरा टोटल 1,19,000 जी और माइनस करके 94,000। 94,000। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, ठीक किया आपने। और किसी ने कर लिया? सर मैंने भी कर लिया यही आंसर। अच्छा जबरदस्त, शाबाश, इसका मतलब आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है डिस्टेंस लर्निंग में अकाउंटिंग इस तरह से समझाना, तो मानो चले अच्छी बात है आप लोग पिक कर रहे हो, क्योंकि क्लास के एनवायरनमेंट में तो कुछ और हिसाब होता है ना। आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, यहाँ पर आप शायद इतना अच्छा पार्टिसिपेट ना कर सको और हम भी उस तरह से ना समझा सकें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपने। तो मैं अब आप किसने कर लिया मुझे आप लोग डाटा लिखवा दें, ठीक है? जरा मैं ये चीज़ें यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे इस क्वेश्चन का जो क्लोजिंग स्टेटमेंट का जिन्होंने कर लिया और जो नहीं कर सके वो देखें, ठीक है? और क्लोजिंग स्टेटमेंट का भी मुझे डाटा लिखवाएं जरा साथ साथ। कैश एट बैंक कितना है बेटा? 4,000 है। स्टॉक कितना है? 25,000। ठीक हो गया। उसके बाद डेटर्स हैं आपके पास? 45,000। Then मशीनरी है? 45,000। मशीनरी भी 45 की है? अच्छा जी सर। और इस साइड पे होंगे क्रेडिटर्स? 25,000। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 25,000। अगेन आपने क्या करना है, उसी तरह आप अपने एसेट्स का टोटल करेंगे और आप देखें एसेट्स का टोटल क्या आ रहा है। 1,19,000, ठीक है? यही टोटल आप दोनों तरफ लिखेंगे और इसमें से जब आप माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे 94,000 क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? और क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आएगी कितनी आ रही है? 94,000। तो ये आपने सेकंड वर्किंग की जिससे आपने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर दिया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इस 94,000 को आपने क्या करना है, अपनी मेन स्टेटमेंट पे जाना है। ये बना लिया सबने? जी सर। अच्छा एक मिनट ले लें, ये बना लें, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें, फिर मैं मेन स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ। सर ये सारी जो वर्किंग होगी ये पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पर पूरा करना? नहीं बेटा, इसमें बेशक आपके 3 पेज लगते हैं, कोई मसला नहीं, आप लगाएं, ठीक है? ठीक। आपने पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद आपने अगर नहीं, सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद अगर आपने आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने की जरूरत है तो आप वर्किंग करोगे, नहीं है तो फिर आप नहीं करोगे, ठीक है? ये इसकी स्पोकन वर्किंग है और ये नीट वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि रफ वर्किंग है, इसके मार्क्स हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के, ठीक है? ठीक है। अच्छा चलें, इसको आपने कर लिया, अब इसको हम चलते हैं अपनी मेन स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है? और मेन स्टेटमेंट में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल रह गया था जो हमने फाइंड कर लिया है, क्लोजिंग कैपिटल 94,000। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने कम्प्लीट हो चुकी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर आपने क्लोजिंग लिखना है, ठीक है?
31 दिसंबर 2016 की हम बना रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड किया 94,000। ड्राइंग्स हमें 300 पर मंथ की मिली थी, जिन्होंने लेट ड्राइंग किया मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो पर मंथ की तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर, ठीक है 80,000 आया। और एडिशनल कैपिटल जिसको हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, ये आपको गिवन था, ठीक है 10,000 की अमाउंट गिवन थी जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर ने इन्वेस्ट की। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आप इनका टोटल करें, इनका टोटल करें, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस है। सर पॉजिटिव आ रहा है 400। क्या आंसर आ रहा है? 400। नहीं बेटा दोबारा कैलकुलेट करो, आप 400 आंसर नहीं है। आपने 80,000 और 10,000 माइनस करना है। आंसर ये देखे ना, ये जो क्वेश्चन है 7600 आना चाहिए आंसर, 7600 आना चाहिए, ठीक है। सर 7600, ठीक है। तो ये 7600 आपका आंसर है, ठीक है, सब कर ले सॉल्व। अच्छा मुझे मैसेज आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, लिंक से नहीं आ रहे, पासवर्ड से नहीं ज्वाइन हो रहा, तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास से पहले अपनी आईडी को अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मैंने बीकॉम की क्लासेस ली हैं, ऑडिट पढ़ाई है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई है, ठीक है, और काफ़ी क्लासेस मैंने इसी लिंक के थ्रू ली हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा इस लिंक से, दोबारा मैं इसको ज़रा देखता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी करें, आप लोगों ने जूम इंस्टॉल किया हुआ है तो एक दफा अपने जूम को अपडेट कर लें, ठीक है। तो वो अपडेट्स आती रहती हैं मोबाइल के ऊपर भी, और अगर लैपटॉप के ऊपर है तो उसमें भी अपडेट की ऑप्शन आती है, तो जूम को अपडेट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ना हो। अभी कम अज कम 6-7 स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए हैं कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो जरा आप लोग भी इसको अपडेट कर लें, मैं भी लिंक रिफ्रेश कर लेता हूँ नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। बेटा कुछ पूछना हो आप लोगों ने, कुछ चीज समझना आई हो, 5 मिनट सर। आपने जो ये क्लोजिंग कैपिटल से पहले और ओपनिंग दोनों से पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाला करवाया था, उससे जो इसका लिंक है वो समझा दें। अच्छा आपने मुझसे पूछा है कि मैंने ये दोनों चीजें करवाने से पहले एक चीज करवाई थी जी। मैं एक मिनट आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, ये दोबारा से लिंक एक्सपायर होने वाला है, चले अभी है टाइम 10 मिनट है। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि बेटा देखो बैलेंस शीट क्या होता है, पहले मैं बात करता हूँ आपसे बैलेंस शीट की। ये आपके सामने मैंने बैलेंस शीट लिखा हुआ है, ठीक है, हाईलाइट किया है बैलेंस शीट। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों ने किया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है अक्सर टीचर छुड़वा भी देते हैं कि कैश बुक कर लें तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज छोड़नी नहीं चाहिए, तमाम चीजें करनी चाहिए। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं और कैपिटल लिखते हैं। फिर जब हम टोटल करते हैं तो हमारे एसेट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, किन के इक्वल होने चाहिए? लाइबिलिटीज और कैपिटल के। आप लोगों ने एक चीज आप लोगों को टीचर्स ने पढ़ाई होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल किसके होते हैं? लाइबिलिटीज के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल। और कई बुक्स में ऑनर्स इक्विटी भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। अमेरिकन ऑनर्स इक्विटी कहते हैं और जो बाकी होते हैं वो क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अच्छा इसी को अगर हम फॉर्मेट में बना दें, जो ये फॉर्मेट मैंने नीचे यूज किया है ये वाला, ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये बैलेंस शीट बन जाती है। एक साइड पे हम सारे एसेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं। अच्छा ये तो मैं बात कर रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम की, ठीक है।
अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जो लोग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इतनी ज्यादा डिटेल में चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो उनके भी तो जारी बात है बिजनेस में एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का वर्ड यूज करते हैं। और पहले वक्तों में जब अकाउंटिंग अभी इतनी ज्यादा मंजर आम पर नहीं आई थी, पुराने वक्त की बात है, तो क्या होता था कि लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, अफेयर्स कहते हैं मामलात को, तो लोग अपने जो मामलात होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए जो स्टेटमेंट यूज करते थे उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड चेंज होकर बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो अब भी ये वर्ड यूज होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, लेकिन अब किस तरह हम यूज करते हैं इस वर्ड को, हमने सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए रख दिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर हम बैलेंस शीट को डिफाइन करेंगे तो हम बैलेंस शीट नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे, ठीक है। और अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात होगी तो डबल एंट्री सिस्टम में हम इसको बैलेंस शीट ही कहेंगे। बात एक ही है, दोनों के बनाने का तरीका एक है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। एक साइड पे एसेट्स, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल। क्लियर होगी बात? जी जी। अच्छा चलें, फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं 5 मिनट दूंगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर व्हाट्सएप का नंबर है सबके पास ही है, तो आप लोग वॉइस मैसेज भी शक कर दिया करें, कुछ चीज ना समझ आए तो मैं वॉइस मैसेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, ठीक है। और फिर सर इसके बाद जो आपने कराया था उसके अंदर हम लोग एसेट्स का टोटल करते हैं और फिर कैपिटल को एसेट से माइनस करते हैं इक्वल करने के लिए। देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो क्या थी, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग था, तो डेफिनेटली जो मिसिंग अमाउंट होगी वो कैपिटल होगी, ठीक है। तो हमें अगर मिसिंग ना होता, कैपिटल दिया होता तो हमें ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में आपको क्लियर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो हमने इसलिए इसको बनाया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गया आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपने बस इतना याद रखना है। अब आपकी बुक के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, टाइम बेटा हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपकी बुक के, ठीक है। और 4th क्वेश्चन नेक्स्ट में कराऊंगा, 4th क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ठीक है। 4th क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल आपने फाइंड करना होगा क्लोजिंग स्टेटमेंट के थ्रू। तो जरा सब ट्राई कीजिएगा, एक कल के दिन क्लास भी नहीं है, अगर हो जाए तो मुझे बेशक आप व्हाट्सएप कर दें, जैसे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने महदूर ने आई थिंक मुझे असाइनमेंट भी बना के दी, बाकी किसी ने नहीं दी, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग असाइनमेंट भी सॉल्व किया करें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जैसा जितनी आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग सीखेंगे। चलें जी, वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। अल्लाह सर असाइनमेंट की और वो इसके इसके क्वेश्चन की पिक्चर भी भेज देना प्लीज। हां जी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर, आपने एक ही क्वेश्चन कराया ना आज? जी एक ही करवाया। ओके सर थैंक यू।